गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में काफ़ी स्वागत है। आइए हम लोग आज देखेंगे कि फ्लेम फोटोमीटर से पोटेशियम एनालिसिस कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जहां इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं ऑलवेज वहां पर उसका बेसिक प्रिंसिपल्स रखिए, और बेसिक प्रिंसिपल्स रखने के साथ में ही जो इंस्ट्रूमेंट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे कैसे ऑपरेट किया जाता है वो भी साथ में रखिए, क्योंकि ये हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होता है। तो साथ में रखने से आपको काफ़ी काम करने में सुविधा हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि पोटेशियम एनालिसिस करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गैस कनेक्शंस करेंगे, गैस कनेक्शंस करने के बाद में कंप्रेसर्स को ऑन करेंगे। कंप्रेसर्स ऑन करने के बाद इंस्ट्रूमेंट में स्विच होता है, एक स्विच होता है, स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट्स जो है किस मॉडल का है और किस कंपनी का है वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा यहाँ पर, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा तो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो मुझे पोटेशियम एनालिसिस करनी है, तो इससे पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लाइटर लूँगा, लाइटर से गैस सेट करके और यहाँ पर लाइटर से गैस जला लूँगा। तो मैंने ऑलरेडी गैस को जलाया हुआ है, जस्ट आप देख रहे होंगे वीडियो में। और लाइटर से जैसे घर का गैस होता है, जस्ट लाइक ये भी वैसिंग गैस है, लाइटर से ऑन करने के बाद गैस सेट कर लेना है। गैस सेट करने के बाद प्रेशर भी सेट करना है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, जो प्रेशर होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का 0.75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करता है। ये मैं जो बता रहा हूँ वो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए 0.75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। आइए अब हम पोटेशियम एनालिसिस के लिए कैलिब्रेशंस कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो जहाँ तक कैलिब्रेशंस की बात है, तो सबसे पहले मुझे कौन सा पैरामीटर एनालाइज करना है, और एनालाइज करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके पास जितने भी सॉल्यूशंस हो, जितने भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, जैसा कि आप पोटेशियम का 40 ppm देख रहे होंगे, 100 ppm जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, 100 ppm देख रहे होंगे, दोनों अपने पास रखिए, अवेलेबल रखिए साथ में, ताकि आपको एनालिसिस करने के समय में आपको ढूंढना ना पड़े। सैंपल ऑलवेज अपने पास में रखिए, साथ साथ में एक स्टीरर रखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे ये मैग्नेटिक स्टीरर है। और मैग्नेटिक स्टीरर का काम है कि जिस सैंपल को आपको एनालाइज करनी है उसको क्या करता है, ये होमोजीनियस बनाता है। तो आपको जो एनालिसिस करेंगे वो काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होगा, और उसका एनालिसिस करने से रिजल्ट आपको काफ़ी एक्यूरेट मिलेगा। तो अगेन आइए हम फिर इसके सेटिंग में आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंटर करूँगा, इंटर करने के बाद जनरल ऑप्शंस आएगा, मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये ईएलई ऑप्शंस आएगा, ईएलई ऑप्शंस आने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करूँगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये सोडियम से पोटेशियम में आ गया। जैसे ही ये पोटेशियम में आने के बाद मैं अगेन इंटर ब्लक क्लिक कर दूँगा। इंटर क्लिक करने के बाद ये क्लीन ऑप्शंस आएगा विंडो में, तो मैं क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर डिस्टिल वाटर दे दूँगा, और जैसा कि आपने देखे होंगे मैं डिस्टिल वाटर से क्लीन इसको कर रहा हूँ। तो यदि जो आपका वाटर यहाँ पर कम हो गया हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सैंपल्स डाल सकते हैं, ताकि बीच में ही वो इंस्ट्रूमेंट्स आपका एयर ना ले लें पाए। अब देखा आपने, देखा कि मैंने इसमें वाटर सैंपल्स से, और ये वाटर ऑलवेज डिस्टिल वाटर होना चाहिए, क्लीनिंग के लिए टैप वाटर कभी भी यूज़ नहीं करनी है। तो आप देख रहे होंगे ये क्लीन हो रहा है, यहाँ क्लीन का ऑप्शंस भी आ रहा है। अगेन मैं इंटर करूँगा तो इंस्ट्रूमेंट्स होल्ड का ऑप्शंस दिखाएगा, तो मुझे थोड़ी देर होल्ड करनी है जब तक कि ये अगला सैंपल्स ना मांग ले। तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट अगेन ब्लैंक मांगा, तो ब्लैंक का मतलब डिस्टिल वाटर। तो मैं फिर इसे अगेन इंटर बोलूँगा कि मैंने ब्लैंक दे दिया। अगेन ये होल्ड बोल रहा है, मुझे होल्ड वेट करनी है।
इसके अगले आदेश की, तो रिफ्रेंस वन, तो यहाँ पर इसे मैं क्या करूँगा, रिफ्रेंस वन दूंगा। तो सबसे पहले डिस्टिल वाटर से ट्यूब निकालूँगा और यहाँ से ट्यूब को वॉश करूँगा ताकि ये कॉन्टामिनेशन हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को ख़राब ना कर दे। फिर मैं इसमें डाल दूँगा पाइप को। पाइप को डालने के बाद में ये थोड़ा ध्यान रखना है कि पाइप ऑलवेज सॉल्यूशन में ही रहना है, नहीं तो एयर ले लेगा इंस्ट्रूमेंट। तो ये डालने के बाद जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो अगेन ये होल्ड दिखाएगा और यहाँ कलर चेंजेस होगा। लेकिन ये जो कलर चेंजेस है, जितना सोडियम में कलर चेंजेस हुआ था, पोटेशियम में कलर चेंजेस थोड़ा माइनर होता है, बहुत माइन्यूट होता है। तो आपको कलर चेंजेस हल्के दिख रहे होंगे लेकिन थोड़ी कम दिख रहे होंगे क्योंकि पोटेशियम काफ़ी कम मात्रा में होता है वाटर में। ये अगेन इंस्ट्रूमेंट्स ने ब्लैंक मांगा, फिर मैंने सैंपल्स रख दिया, इसको टिश्यू पेपर से वॉश किया और अगेन डिस्टिल वाटर में डाल के ब्लैंक ऑप्शंस में इंटर कर दिया। अगेन इंस्ट्रूमेंट्स होल्ड दिखा रहा है, मुझे होल्ड करनी है इसके लिए। आप देख रहे होंगे कलर जो है फिर से जितनी ब्लू कलर्स थी जो मैंने प्रीवियस सेट किया था वैसा ब्लू कलर दिख रहा है। अब थोड़ी देर के बाद इंस्ट्रूमेंट्स रेफरेंस टू मांग रहा है। रेफरेंस टू का मतलब है 100 ppm पोटेशियम का सॉल्यूशन। तो फिर मैं ये डिस्टिल वाटर से बाहर निकालूंगा, अगेन इसे वाइप आउट करूंगा और इसे मिक्स करके 100 ppm सॉल्यूशन दे दूंगा। और मैं यहाँ फिर आप देख रहे होंगे जैसे ही 100 ppm सॉल्यूशन दिए तो यहाँ कलर चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। तो कलर चेंजेस थोड़े इसमें कम होते हैं सोडियम की अपेक्षा। तो इंस्ट्रूमेंट्स अगेन होल्ड ऑप्शन दिखा रहा है, मुझे थोड़ी देर वेट करनी है। वेट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स अगेन ब्लैंक दिखा रहा है, तो मुझे फिर इसे वॉश करनी है और अगेन इसे ब्लैंक में डाल देना है। ब्लैंक दिखाने के बाद मुझे अगेन इंटर कर देना है। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो फिर आपको दिख रहा होगा जो मैंने स्टार्ट में ब्लू फ्लेम सेट किया था वैसे ही अगेन ये ब्लू फ्लेम वैसे ही आपको दिख रहा होगा। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट सैंपल मांग रहा है, तो फिर मैं इसे निकालूंगा और साफ करूंगा। देन जो हमारा सैंपल्स है, सैंपल्स जिसका आपको एनालिसिस करनी है, इसे सबसे पहले होमोजीनस कर लूँगा मैग्नेटिक स्टेरर से और सैंपल्स दे के अगेन मैं यहाँ पर इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद अगेन ये होल्ड ऑप्शन दिखाएगा इंस्ट्रूमेंट, फिर मुझे होल्ड करनी है, वेट करनी है। और आपको कलर चेंजेस यहाँ काफ़ी दिख रहे होंगे क्योंकि इसमें पोटेशियम कुछ ज़्यादा है शायद, इसलिए कलर चेंजेस क्लियर दिख रहे होंगे। डी फेस आया, मैं देखिए अगेन इंटर दबाऊंगा और क्लिक करूंगा 0.7 ppm, आपको दिख रहा होगा 0.7 ppm इसमें पार्ट्स पर मिलियन या 0.7 मिलीग्राम पर लीटर पोटेशियम इस वाटर सैंपल्स में है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने पोटेशियम एनालिसिस कैसे करनी है। तो इसमें बस ध्यान दीजिए कि आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हो काफ़ी अच्छा से बना हुआ हो। और मेरे वीडियो को पुनः देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और यदि जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे इसी ढंग से हर एक वाटर क्वालिटी अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।